नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। डांस मूवी सिनेमा की एक अहम श्रेणी रही है। मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर ने सुपरस्टार बनाया और गोविंदा को इल्ज़ाम और लव 86 ने। इन फिल्मों की जान इन फिल्मों के नायकों का नाच रहा। बाद में ऋतिक रोशन ने भी अपने डांस से ही करोड़ों फैंस बनाए और अपनी पिछली फिल्म वॉर तक उनके ठुमके खूब कामयाब रहे। ऐसे ही एक डांस नंबर फिल्म आई है, नाम है देहाती डिस्को। हिंदी फिल्मों के सितारों को पर्दे पर अलग अलग मुद्राओं के साथ नचाने वाले डांस मास्टर गणेश आचार्य का बड़ा नाम रहा है। नाम और पैसा कमाने के बाद अब वो अपना बचपन का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म देहाती डिस्को में। तो करते हैं फिल्म का रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं गणेश आचार्य, रवि किशन, मनोज जोशी, राजेश शर्मा और मास्टर सक्षम ने, और फिल्म को डायरेक्ट किया है मनोज शर्मा ने। इस फिल्म की कहानी एक गांव की है जिसका नाम शिवपुर है। इस गांव के महंत अपने बेटे गणेश आचार्य को इसलिए गांव से निकाल देते हैं क्योंकि वो डांस करता है और इस गांव में डांस करना अभिशाप माना जाता है। लेकिन फिर सालों बाद एक डांस कॉम्पिटिशन के दौरान गणेश और उनके बेटे समक्ष शर्मा के डांस की वजह से ही गांव की इज्जत बच पाती है। देसीपन को इस कहानी के जरिए शानदार तरीके से प्रमोट किया गया है। फिल्म में अपने गांव की मिट्टी से प्यार दिखाया गया है, भगवान शिव की भक्ति दिखाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि बाप बेटे का खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया है। लेकिन कहानी फिर भी आपको दमदार नहीं लगेगी। फिल्म देखने के बाद ऐसा महसूस होगा कि यह सब काफ़ी पुराना है। फिल्म देहाती डिस्को अपने पिता के प्यार के लिए तरसते उस बेटे की कहानी है जिसे नाचने के कारण उसके मेहनती पिता ने बचपन में घर से निकाल दिया। ये बच्चा बड़ा होकर अपने बेटे में वो सब देखना चाहता है जो उसे कभी करने नहीं दिया गया। तीन पीढ़ियों के आदर्शों और उसूलों के टकराव, अलगाव और बिखराव की ये भावुक कहानी हो सकती थी। घर से निकाला गया बच्चा बड़ी हुई दाढ़ी और 56 इंच सीना लेकर गांव वापस लौटता है। महंत के शिव मंदिर को इलाके के सांसद से खतरा है। वो विदेश से डांस सीखकर लौटे अपने बेटे के लिए मंदिर की ज़मीन पर डांस एकेडमी खोलना चाहता है क्योंकि ऐसा उनके पुरोहित ने कह दिया है। मंदिर की ज़मीन बचाने के लिए डांस मुकाबला होता है और कहानी अपनी इति को पहुँचती है। फिल्म काफ़ी पुरानी सी लगती है। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई 20 साल पुरानी फिल्म देख रहे हों। अगर ये फिल्म तब आई होती तो शायद अच्छी लगती, लेकिन आज के दौर में ये आपको एंटरटेन नहीं कर पाएगी जैसा डांस इसमें दिखता है। उतनी ज़रूरी फिल्म नहीं है वैसे, बाकी देखना ना देखना आपकी इच्छा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।